गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा श्रीवास्तवा, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको इसके तीसरे पार्ट में मैंने बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और एसिड्स और बेसिस की कॉमन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। आज के इस चौथे पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एसिड और बेस का वाटर में सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है। और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए हम आज का अपने सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, डिसॉल्विंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर। बच्चों, जब हम एसिड और बेस को पानी में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक से मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है। बच्चों, मान लीजिए आपने एसिड को पानी में डाल दिया, तो अब आप क्या करेंगे? जब आप एसिड को पानी में डालिए तो उसके बाद उसकी कांस्टेंट स्टिरिंग करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमने एक कंटेनर में पानी ले लिया है और उसके बाद हम उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे। जैसे ही थोड़ा सा एसिड डालिए, वैसे ही आप उसको अच्छे से स्टिर कर लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वाटर शुड नेवर बी एडेड टू एन एसिड। कभी भी यहां पर एसिड लेकर के उसमें पानी मत डालिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और ये क्या करेगा, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि इट मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड इट विल कॉज बर्न्स। ये क्या करेगा, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि उससे वो मिक्सचर छिटक के बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा हम पानी में एसिड को डालेंगे, कभी भी एसिड यहाँ पे लेकर के ऊपर से पानी नहीं डालना है। अब उसके बाद आप देखिए, जब इस तरह से आप एसिड या बेस का वाटर में सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे तो उससे होगा क्या? बच्चों, जब आप एसिड और बेस का एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे तो इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और ओएच आयन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा, आपको पता है कि एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और बेस अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओएच आयन। तो जब आप एसिड या बेस का वाटर में सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, एसिड अगर होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, और बेस होगा तो उसमें ओएच आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम एसिड या बेस का वाटर में सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। आइए अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों, मान लीजिए कि मैंने आपको दो एसिड सॉल्यूशन दे दिए और मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रांग है और कौन सा सॉल्यूशन वीक है, तो अब आप कैसे पता लगाएंगे? बच्चों, आपको पहले वीडियो में मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, लेकिन वहां पर हमने जिन इंडिकेटर्स का यूज किया था वो सिर्फ ये बता सकते थे कि दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। वो ये नहीं बता सकते थे कि दो एसिडिक सॉल्यूशन में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है। मान लीजिए यहां पर मैंने दो सॉल्यूशन ले लिया, दोनों में एसिड है। एक में आप मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है और एक में आप मान लीजिए विनेगर या एसिटिक एसिड है। यहां पर एसिटिक एसिड है,
अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी एसिड स्ट्रांग है और कौन सी एसिड वीक है? अगर मान लीजिए आपने लिटमस पेपर का यूज किया, तो लिटमस पेपर क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लू लिटमस रेड में यहाँ पर भी कन्वर्ट होगा और ब्लू लिटमस रेड में यहाँ पर भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि ये दोनों सॉल्यूशन एसिडिक हैं, ये नहीं पता चलेगा कि किस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कम है। तो ये पता चल लगाने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज करके हम दो एसिडिक सॉल्यूशन या दो बेसिक सॉल्यूशन में से बता सकते हैं कि कौन वाला सॉल्यूशन स्ट्रांग है और कौन वाला सॉल्यूशन वीक है। क्या होते हैं ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बच्चों? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ये कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशंस। बच्चों ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पर अलग अलग कलर देता है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रांग है और कौन सा सॉल्यूशन वीक है। फिर देखिए, पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। यहाँ पर हमने बताया कि पेपर इम्प्रेग्नेटेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेकर के उसमें पेपर को सोक करा देते हैं, और जब वो पेपर सोक्ड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलता है तो इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच, और इससे हम तैयार करते हैं पीएच पेपर। तो आइए अब जानते हैं कि ये पीएच पेपर से हम कैसे मेजर करेंगे कि किस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है। बच्चों पीएच पेपर पर 0 से लेकर के 14 तक के नंबर्स लिखे होते हैं। 0 का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है वेरी एसिडिक, 7 का मतलब न्यूट्रल और 14 का मतलब वेरी एल्केलाइन। बच्चों ये जो पीएच पेपर है इसमें पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं आप ये देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो 0 जहाँ पे लिखा है वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप देखिए ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती चली जाती है और 14 तक आते आते सबसे कम हो जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब आप अगला देख लिए, वैल्यू लेस देन 7 इज एसिडिक। अगर वैल्यू जो है वो 7 से कम आती है तो दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है, वैल्यू एग्जैक्टली 7 आती है तो दिया गया सॉल्यूशन न्यूट्रल है, वैल्यू 7 से ज्यादा आती है तो दिया हुआ सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। फिर यहां पर अभी मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। कुछ एग्जांपल आप देखिए, जैसे गैस्ट्रिक जूस, इसकी जो पीएच होती है 1.2, मतलब ये एसिडिक होता है। फिर आप ब्लड का पीएच देखिए 7.4, स्लाइटली एल्केलाइन कह सकते हैं आप। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच अराउंड 10 होती है, इसका मतलब ये बेसिक होता है। तो इस तरह से हम पीएच पेपर का यूज करके दो एसिडिक दो बेसिक सॉल्यूशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन वाला कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है और कौन वाला कंपैरेटिवली वीकर है। तो आइए अब इसके बाद हम अपना आज का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।
तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। बच्चों, हम सबसे पहले अपनी खुद की बॉडी से शुरू करेंगे। हमारी बॉडी का पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच में होता है। इतना नैरो पीएच रेंज होता है हमारी बॉडी का। अगर ये पीएच रेंज डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स अफेक्टेड हो जाते हैं और ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। फिर अगला देखिए बच्चों, अगर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जिस पानी में रहते हैं उसकी पीएच अगर 5.6 या 5.5 से कम हो जाए तो एक्वेटिक लाइफ के लिए एक थ्रेट हो जाता है। अब ये पीएच 5.5 या 5.6 से कम कैसे होती है? बच्चों, जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन अब कैसे बनती है? एसिड रेन, जब रेन वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अलग अलग गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस से मिल जाती है तो रेन वाटर को एसिडिक कर देती है और इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। जब ये एसिड रेन रिवर में मिक्स हो जाती है तो वहाँ का पीएच रेंज कभी कभी 5.6 या 5.5 से भी कम हो जाता है एंड इट बिकम्स अ बिग थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। अगला पॉइंट देखिए, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर ग्रोथ। बच्चों, हर प्लांट एक स्पेसिफिक सॉइल टाइप में ही ग्रो करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट का जो सॉइल टाइप है वो क्या है? इसके लिए प्लांट जिस सॉइल में ग्रो कर रहा है, आप उस सॉइल को ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, थोड़ा सा 1 या 2 ग्राम सॉइल को, उसमें 5-6 ml वाटर को मिला लीजिए, अच्छी तरह से शेक करके उसको फिल्टर कर लीजिए। अब जो फिल्ट्रेट आपको मिलेगा उसको आप पीएच पेपर से टेस्ट कर लीजिए, आपको जो सॉइल आपने ली थी उसकी पीएच वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप देखेंगे कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्लाइटली बेसिक सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे ब्लूबेरी एक प्लांट है, ये एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, और जो एस्पैरेगस होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल में ग्रो करता है। इसकी पीएच रेंज जो होती है वो लगभग 6 से 8 के बीच में हो सकती है। फिर अगला देखिए, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी एक डेफिनेट पीएच होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हमारी स्टमक में एसिड सिक्रीट हो रहा है तो क्या स्टमक की वॉल्स अफेक्टेड नहीं होंगी? नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे स्टमक की जो वॉल है उस पर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है जिससे HCl उस पर इम्पैक्ट नहीं डालता है। लेकिन कभी कभी हमें इनडाइजेशन हो जाता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उस समय डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं? उस समय डॉक्टर आपको एंटा एसिड्स पीने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो ये एंटा एसिड क्या होते हैं? एंटा एसिड जो होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है और स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हुई है उसको क्या कर देगा? उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। फिर अगला देखिए बच्चों, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है? बच्चों, हमारे माउथ में जो शुगर या फूड जो होता है उसका जब डिग्रेडेशन होता है तो वो एसिड को प्रोड्यूस करता है। अब ये एसिड हमारे इनामिल को अटैक कर देता है और उसको कोरोड करने लगता है। इनामिल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो वो एसिड से रिएक्ट कर जाता है और वो एसिड जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बने इनामिल को कोरोड कर देता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस एसिड को ही हमें न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। इसीलिए वी यूज टूथपेस्ट विच इज बेसिक इन नेचर। हमें जो टूथपेस्ट यूज करना चाहिए वो बेसिक नेचर का यूज करना चाहिए। फिर अगला देखिए, पीएच की एक और इंपॉर्टेंस होती है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसको आपने कई बार फील भी किया होगा।
हनी बी का जो स्टिंग होता है उसकी स्टिंग से क्या होता है, इट लीव्स एसिड। जहां पे हनी बी आपको अटैक करेगी वहां पर आपने देखा होगा कि इरिटेशन और इचिंग जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसने जब अपना स्टिंग इंजेक्ट किया तो उसके साथ में उसने आपकी बॉडी में एसिड को छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन शुरू हो गई। इसी तरह से एक प्लांट होता है नेटल। अगर नेटल लीव्स की जो स्टिंगिंग हेयर है आप उसको टच कर दीजिए तो वो आपकी बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देगा और जिसकी वजह से आपको क्या होगा, वहाँ पर भी इरिटेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करें, ये दोनों ही एसिड्स हैं तो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस है और एसिड के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। और एक चीज़ और, जिस जगह पर ये नेटल प्लांट ग्रो करता है उसी जगह पर एक और प्लांट ग्रो करता है जिसको हम कहते हैं डॉक प्लांट। डॉक प्लांट की लीफ को भी अगर आप रगड़ लीजिए तो भी ये इरिटेशन बंद हो जाती है। तो ये क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है कि डॉग प्लांट की लीव्स दे आर बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी डेली लाइफ में भी पीएच की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। तो बच्चों आज के इस चौथे वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने सीखा कि एसिड और बेस का वाटर में सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, फिर हमने देखा कि पीएच पेपर की हेल्प से हम एसिड और बेसिस के बारे में कैसे बताते हैं कि कौन सी एसिड स्ट्रांग है और कौन सी एसिड वीक है। फिर लास्ट में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ को डिस्कस किया। अब इसके पांचवें वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।